हेलो एवरीवन, तो ये लुक मैंने क्रिएट किया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो पे बने रहेगा। और अगर आप पहले से फॉलो करते हो तो वेलकम टू माय चैनल ग्लैम गर्ल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंसीलर और मैं अपने आई लिड और आई एरिया पे पूरा स्प्रेड करूँगी अपने फिंगर के हेल्प से। फिर ब्लेंडर के हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी कि केकी ना रहे और कोई पैचेस ना रहे, ऐसे आपको ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे ब्लेंड हो चुका है। मैं इसे सेट करने के लिए लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, ये मैक का है। अब मैं ले रही हूँ आई शेडो येलो इन कलर और मैं अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी और लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज आई शेडो, ये हमारा सेकेंड आई शेडो होगा और मैं इसे आई लिड पे अप्लाई करूँगी, मिडल ऑफ आई लिड और लोअर लैशेस पे भी। आज मैं 2-3 आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ और हमारा थर्ड आई शेडो होगा पिंक इन कलर और मैं इसे आउटर एरिया पे अप्लाई करूँगी। अब मैं ले रही हूँ पर्पल इन कलर, मैं पहले आउटर व्यू बनाऊंगी और अच्छा सा स्प्रेड करते करते मैं इसे विंक लाइनर जैसा अप्लाई और हमें लोअर लैशेस को भूलना नहीं है, वहाँ पे भी आपको अप्लाई। तो आई शेडो हमने अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो कितना प्रीटी लग रहा है ये। इसे और इन्हेंस करने के लिए आगे आगे देखिए होता है क्या। अब मैं ले रही हूँ पफी ब्रश, इसके हेल्प से मैं इसे अच्छे से स्प्रेड करूंगी, जो भी एक्सेस होगा वो निकल जाएगा और ये पाउडरी नहीं लगेगा। अब मैं ले रही हूँ पेन आईलाइनर, विंक लाइनर से मैं इसे ड्रॉ करूंगी और आगे आगे आप ही देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा कि मैं क्या करी हूँ, क्योंकि ये मेरा क्रिएटिविटी है, मेरी खुद की क्रिएटिविटी है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। तो चलिए कमिंग बैक टू द वीडियो। दिस इज द वे यू हैव टू डू बोथ द आई लिड लाइक दिस। आप देख सकते हो मैंने दोनों आईज पे क्रिएट कर लिया है, ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। आईब्रो ब्रश के हेल्प से मैं इसे सेट कर रही हूँ और मैं ले रही हूँ आईब्रो पेंसिल अपने आईब्रोज बनाने के लिए, ये ब्राउन इन कलर है। मैं अपने फेस पे बेस के लिए कुछ अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट फाउंडेशन पे आ रही हूँ क्योंकि मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज कर लिया था अपने फेस पर जब मैंने आई शेडो अप्लाई करने से पहले। तो अब मैं फिटमी का फाउंडेशन ले रही हूँ, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये ब्लेंड हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है, स्मूथ फिनिश लग रहा है। अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोर अपने फेस को और अपने नोज़ पर भी। अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं लिपस्टिक ले रही हूँ, ये ब्राउन इन कलर है। अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने चिक बोन्स पर और नोज पर और आईब्रो बोन पर। मस्करा अप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो मेरा लुक कितना प्रीटी लग रहा है। चलिए मैं अपने ड्रेस चेंज करके आती हूँ, अपने हेयर स्टाइल चेंज करके आती हूँ। ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम गर्ल। आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है, मेरा ये खुद का लुक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप मुझे ऐसे प्यार देते रहेंगे तो मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।